नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस शुरुआत करते हैं पहले सवाल से तो पंडित जी देश में अब तक कोरोना की दो वेव्स आ चुकी है तो अब इसमें देश का बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुका है अनेक लोगों को अप, अपनी जान भी गवानी पड़ी है और अब साउथ अफ्रीका में आ, पाया हुआ ओमाइक्रोन वायरंट भी अब देश में आ चुका है तो इससे अब फिर से थर्ड वेव आने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। तो आने वाले नए साल में क्या स्थिति बनी रहेगी पूरे देश में और पूरे जग भर में तो आप क्या बताना चाहोगे बिल्कुल देखिए यहाँ पर हम लोग हर चीज को पंचांग और ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं आपने देखा होगा हम लोग बारह राशियाँ, नौ ग्रह सत्ताईस नक्षत्रों के माध्यम से हर प्रोडिक्शन को हर भविष्यवाणी को आपके समक्ष रखते हैं सबसे पहले तो 2022 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना हैप्पी न्यू ईयर और भगवान आपके जीवन में सुख सुविधा आरोग्य सबसे पहले तो आरोग्य की बात करूंगा आप उमा जी आपने बात की 2022-2023 यानी 2022 का जो नया साल है उसमें कोरोना और आरोग्य यानी इसका क्या परिस्थिति रहेगी आप सबसे पहले यह जान ले कि हम 2019 की बात करते हैं क्योंकि हम लोग आज भी बोलते हैं कोविड 2019 अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी की है तो कोविड 2019 कोविड 2019 के संबत् की बात करें तो वो संबत था विकार संबत विकार जो है वो अपने आप में ही एक एक्सप्लेनेशन देता है कि विकार का मतलब क्या होता है विकार का मतलब होता है इलनेस विकार हो जाना बीमारी पैदा होना वायरस पैदा होना यानी विकार 2019-2020 का संबद्ध था 2020 और 2021 में पलावा संबत् था जब हम पलावा संबत् की बात करते हैं तो फियरफुलनेस डर भय हर आदमी डरा हुआ है बिजनेस व्यापार खत्म हो चुके हैं आदमी आगे आने वाले दिनों की लाइट ढूंढ रहा है अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है डिफिकल्ट टाइम को हम लोग पलावा बोलते हैं डिफिकल्ट टाइम की वज़... और इसी की वजह से 2020 और 2021 में पलावा संबत्त आया 60 संबत् हम हिंदू पंचांग में माने जाते हैं तो अब आज की अगर हम बात करें कि 2022 और 2023 में इस तरह का कोई संबंध तो नहीं है जिसमें इलनेस है बीमारी है रोग है कष्ट है हर तरफ से दुनिया को त्राही -त्राही करने की बात है। यहां दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू नववर्ष जो है वो अप्रैल से शुरू होता है मगर हम 2022 हजार नववर्ष की शुरुआत करते हैं इकतीस दिसंबर दो 21 को यह वर्ष खत्म होता है क्योंकि पाश्चात्य तरीके से हम लोग आज तक चल रहे हैं मगर हिंदू नव वर्ष जो है उस वो ओ, ओ शुभकृत संबत होगा शुभकृत संबत, संबत का मतलब होता है कि जो शुभ समाचार लेकर आएगा शुभकृत संबत का मतलब होता है कि जो हर तरफ से अच्छी खबरें लेकर आएगा तो अप्रैल से ये संबद्ध शुरू होता है मगर 2022 की अगर हम बात करें तो आपने ओमिक्रॉन की बात करी है तो डेफिनेटली तीसरी वेव डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन जो कि अफ्रीकन कंट्री में तबाही मचा रही है यूरोप में तबाही मचा चुकी है यूके बंद हो गया है एम्स्टरडेम डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे यहां पर लॉकडाउन हो गया है और कनाडा में भी लॉकडाउन हो गया है तो कहीं ना कहीं संबत अभी भी जो है वो प्लावा है प्लावा संबित में डिफिकल्टी एंड फियरफुलनेस अब देखेंगे कि ओमिक्रॉन जो है वो कब तक रहेगा कुंडली के पंचांग के ग्रहों के सेलेस्टियल प्लेसमेंट की बात करें तो डेफिनेटली यह जो सिचुएशन है ये आपको 22 मार्च तक भयभीत करने वाली है जैसे जैसे हम अपने संबद्ध प्लावा संबद्ध शुभकृत संबद्ध की तरफ बढ़ेंगे तो आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे करोना का ये वेरिएंट जो है डेफिनेटली इसका भारत के ऊपर या विश्व के ऊपर जो असर हुआ है उसके ऊपर भी मैंने पूरी तरह से स्टडी करने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये वेरिएंट जो है इसमें मृत्यु की जो दर है बहुत ही कम है आपने देखा होगा कि भारत में भी ओमिक्रोन के काफ़ी पेशेंट्स आ गए हैं और विदेशों में भी अगर यूके में एक लाख पेशेंट है से उनमें अठहत्तर हज़ार पेशेंट जो है रिकवर कर चुके हैं और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ टेलीविजन के माध्यम से हमने ये देखा है कि डॉक्टरों का कहना है कि ये वेरिएंट जो है ये पैरासिटामोल और डिस्प्रिन से भी अगर आप घर में अपने क्वारंटाइन करके होम क्वारंटाइन करके भाप लेते हो श्वास क्रियाएं करते हो तो आपको ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है मृत्यु की तरफ नहीं लेकर जाएगा हाँ जिन लोगों को डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है हार्ट अटैक हुए हुए हैं ओपन हार्ट सर्जरीज हुई हुई हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तो मेरी प्रोडिक्शन ये है कि तेईस मार्च तक डेफिनेटली ये लहर जो है भारत में भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी जनवरी इस जनवरी में और 12 फरवरी तक इस लहर को आप भारत में भी आते हुए देख सकते हैं मगर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं देख देखने को मिलेगा जैसे पहली लहर में लाखों लोग मर गए इंडिया में भी भारत विदेशों में भी यानी कब्रिस्तान में लाशें जो हैं उनको दबाने के लिए और जलाने के लिए लाइने लगी होती थी ऑक्सीजन की तकलीफ हुई दूसरी लहर में क्योंकि वो इलनेस और विकार और पलावा संबत में फियरफुलनेस इलनेस रोग जो है वो सामने नजर आ रहा था अब शुभकृत में शुभकृत कौन है हमारे गणपति बापा हैं हर हमने आज उनके मंत्र से 2022 की शुरुआत की है इसलिए उनको शुभकर्ता बोला जाता है ये उनका संबत है कोई भी नया कार्य करना होता है तो हम स्वास्तिक बनाते हैं बोलते हैं पहले सिद्धि विनायक जाकर गाड़ी लेते हैं घर लेते हैं सिद्धि विनायक का सिंधूर लेकर अपनी गाड़ी को टीका लगाते हैं वाइफ बच्चों को लेकर शुभ मंगल के लिए क्योंकि मंगल मूर्ति मौर्य है इसलिए शुभकृत संबद्ध शुरू होगा उसमें जैसे हमने बोला कि शनि जो है वो अप्रैल में खत्म हो जाएगा बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो पेन पेंसिल लेकर रिकॉर्ड करके रखिए इस शो को शनि जो है वो अप्रैल में कुंभ राशि में चला जाएगा और 12 अप्रैल को गुरुदेव जो है वो मीन में चले जाएंगे। अब शनि की कुंभ राशि में गुरु बैठे हुए हैं मीन राशि में जाने के बाद वो स्वग्रही हो जाते हैं मीन और धनुष गुरु का अपना घर है इसलिए जब गुरु अपने घर में प्रवेश करेंगे तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं दुख का नाश होगा सुख का आगमन होगा क्योंकि शुभकृत जो संबत है और गुरु की शुरुआत है उसमें गुरु को कहते हैं गु अनि रू अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाने वाला डेफिनेटली जो ढाई से तीन सालों में अंधकार मचा हुआ था उमा जी वो खत्म होने की कगार पर आएगा तब भी अप्रैल से अगस्त तक आप लोगों को सावधान रहना है अब भी मैं आपसे विनती करूंगा कि 2022 में सेलिब्रेशन करना है तो अपने घर में करें मास्क पहने डिस्टेंस रखें और प्रभु की आराधना करें कहते हैं दुआ में बहुत ताकत होती है और जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना से पॉजिटिविटी का निर्माण होता है सकारात्मकता का निर्माण होता है और जब सकारात्मकता का निर्माण होता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में आपके लोगों में सकारात्मकता फैलती है इसलिए करोना की पोजीशन जो है अगस्त तक कहीं ना कहीं सता सकती है मगर शुभ समाचार भी मिलने जा मिलते आएंगे आपको दवाई से ठीक होगा इंजेक्शन से ठीक होगा वैक्सीन की कहीं ना कहीं जो पहुंच है वो सब तक जाएगी इसलिए 2022 में कोरोना धीरे 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 82 टू नाइनटी परसेंट बैनिश हो सकता है बिल्कुल